हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करंट अफेयर्स फंडा में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जाना था, उसी से रिलेटेड आज हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जानेंगे। इसे शॉर्ट में एमपीसी कहते हैं। अब हम एमपीसी टॉपिक के अंतर्गत, जैसे कि एमपीसी क्यों बना और ये कब बना और इससे जो एमपीसी से पहले कौन सी कमेटी के थ्रू जो पॉलिसी रेट्स होते थे वो डिसाइड होते थे, उन सबको यहाँ डिटेल में जानेंगे। फिर चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं एमपीसी के बारे में। देखिए, एमपीसी है क्या? ये एक ऐसी कमेटी है जो क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स को डिसाइड करती है। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ इंडिया इज कमेटी फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कमेटी है रिजर्व बैंक की, जो रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने में। ये कमेटी मिलके क्या करेगी, इस कमेटी में जितने भी मेंबर्स होंगे मिलके मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स को डिसाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। जैसे कि हमें ये पता होना चाहिए कि एमपीसी कब बना। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में बनी थी, और इससे बनने से क्या फ़ायदा हुआ, देखिए इससे क्या हुआ, एक तो ट्रांसपेरेंसी आई और अकाउंटेबिलिटी इन फिक्सिंग इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी। जो इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स थे उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा रेट्स के लिए। फिर एग्जाम में एक इस टाइप से क्वेश्चन फॉर्म होता है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर्म हुई, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर देना होगा उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पे क्या हुआ था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी। तो यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम जान लेते हैं कि एमपीसी से पहले कौन सा सिस्टम वर्क करता था मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स को डिसाइड करने में। बिफोर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द फाइनेंशियल डिसीजन ऑन इंटरेस्ट रेट वुड कम फ्रॉम आरबीआई डेस्क। जितने भी इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते थे वो आरबीआई गवर्नर के द्वारा लिए जाते थे उसकी डेस्क पर। ओके, थ्रू देयर वॉज अ टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। एमपीसी से पहले एक कमेटी थी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। देखिए इसका काम क्या था, इसका काम था केवल एडवाइस देना। ठीक है, अब इस कमेटी में कौन कौन होगा, गवर्नर था, एक डिप्टी गवर्नर जो कैसे एक्ट करता था, वाइस चेयरमैन की तरह, और बाकी के 3 डिप्टी गवर्नर इसके मेंबर्स थे। तो टोटल इसमें 5 लोग हो गए, एक गवर्नर, एक वाइस चेयरमैन एंड 3 डिप्टी गवर्नर्स। द गवर्नर हैड ओवरराइडिंग पावर्स अपॉन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये जो इससे एमपीसी से पहले गवर्नर के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती थी, उसके पास ही फुल पावर होती थी मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स को डिसाइड करने के लिए। सिर्फ टीएसी मतलब टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का काम था सिर्फ एडवाइस करना, उसके पास कोई वोटिंग पावर नहीं होती थी। अब जो गवर्नर था उसकी चॉइस पे होता था कि वो डिप्टी गवर्नर और जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझे, उसके अकॉर्डिंग रेट्स को डिसाइड करे या ना करे, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होगा, गवर्नर का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम टारगेट को देख लेते हैं कि जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई तो उसका टारगेट क्या रखा गया। अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम था जो इन्फ्लेशन होता है उसे कंट्रोल करना। तो यहाँ पे सरकार ने एक टारगेट दिया गया कि आपको जो इन्फ्लेशन है उसका रेट कितना होना चाहिए, 4%। और ये टारगेट कब तक कंप्लीट करना है, 31 मार्च 2021 तक। ये टारगेट है 31 मार्च 2021 तक कि इन्फ्लेशन रेट कितना होना चाहिए एनुअल, 4%। अब ये तो है नहीं कि हर ईयर 4% ही होगा, तो इसकी एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट भी डिसाइड कर रखी है कि कितना जो इन्फ्लेशन रेट है वो जा सकता है। देखिए, अगर अपर लिमिट की बात करें तो अपर लिमिट है 6%, और लोअर लिमिट की बात करें तो लिमिट है 2%। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम मीटिंग्स के बारे में जान लेते हैं एमपीसी की। देखिए, एमपीसी की जो मीटिंग होती है ये साल में 4 times होना कंपलसरी है। द मीटिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आर हेल्ड एटलीस्ट मतलब कम से कम 4 times होना कंपलसरी है। लेकिन आरबीआई ने कहा कि ये जो मीटिंग है हम बाई मंथली मतलब हर 2 महीने बाद करेंगे। तो एक साल में एमपीसी की 6 मीटिंग्स होती हैं, लेकिन कंपलसरी कितनी है, 4 times। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसकी रिपोर्ट को जान लेते हैं। जब मीटिंग्स होती हैं तो उसकी रिपोर्ट्स को भी पब्लिश करना कंपलसरी है। अब रिपोर्ट्स कहाँ पे पब्लिश होगी, मिनट्स में। ठीक है, तो मिनट्स आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिपोर्ट कहाँ पब्लिश की जाएगी, मिनट्स आर पब्लिश्ड
आफ्टर एवरी मीटिंग विद ईच मेंबर एक्सप्लेनिंग इज ओपिनियन। अब एमपीसी में जितने भी मेंबर्स होंगे उनका जो जो ओपिनियन होगा उसे मिनट्स में एक्सप्लेन किया जाएगा कि इस मेंबर का ये ओपिनियन था और ऐसा ओपिनियन क्यों था। अब ये मिनट्स कब पब्लिश किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ये पता होना चाहिए मिनट्स जब भी एमपीसी की कमेटी मीटिंग होगी उसके 14 डेज के बाद मिनट्स को पब्लिश करना कंपलसरी है। द कमेटी इज आंसरेबल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ इन्फ्लेशन एक्सीड द रेंज प्रिस्क्राइब द 3 consecutive months। देखिए अगर 3 month से लगातार जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ता जाता है तो जो कमेटी के मेंबर्स हैं उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जवाब गवर्नमेंट को जवाब देना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम मेंबर्स के बारे में जान लेते हैं कि एमपीसी में कितने मेंबर्स होते हैं। देखिए एमपीसी में सिक्स मेंबर्स होते हैं, उसमें से 3 members RBI के द्वारा होते हैं और जो बाकी 3 members बचे वो गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि RBI के द्वारा कौन कौन से members चुने जाते हैं। देखिए एक तो गवर्नर होगा, जो RBI का गवर्नर होता है वो MPC का मेंबर होगा। एंड फर्स्ट एक ड्यूटी गवर्नर होगा एंड RBI एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। ये जो 3 members हैं ये RBI द्वारा चुने जाएंगे। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन से मेंबर चुने जाएंगे। एक्सटर्नल मेंबर्स मतलब बाहर, या तो कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई भी डायरेक्टर हो सकते हैं, उन्हें गवर्नमेंट क्या करेगी MPC के मेंबर्स के रूप में चुनेगी। चलिए आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रेजेंट में मेंबर्स हैं। सबसे पहले जानेंगे कि RBI के द्वारा कौन कौन से मेंबर्स चुने गए हैं। देखिए सबसे पहले तो गवर्नर, अब जो MPC का चेयरपर्सन भी कौन होता है, गवर्नर होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है कि MPC का चेयरपर्सन कौन है, तो यहाँ से आंसर होगा RBI गवर्नर, और प्रेजेंट में RBI गवर्नर कौन है, उर्जित पटेल। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 2018 तक के नहीं है। अगर आप इस वीडियो को बाद में देखते हैं तो एक बार इसे चेकआउट जरूर कर लीजिए कि कोई मेंबर्स चेंज तो नहीं हुए हैं। नेक्स्ट अब ड्यूटी गवर्नर है विरल आचार्य और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मिशेल पत्रा। अब यहाँ से आपको तीनों के नेम पता होना चाहिए कि RBI के द्वारा किन्हें MPC का मेंबर चुना गया है। अब गवर्नमेंट के मेंबर्स को देख लेते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने चुना है। एक है रविंद्र एच ढोलकिया जो कि प्रोफेसर हैं IIM अहमदाबाद के। ओके, नेक्स्ट पमी दुआ डायरेक्टर हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की। फिर नेक्स्ट है चेतन घाटे जो प्रोफेसर है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट के। तो गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से 3 members चुने गए हैं, रविंद्र एच ढोलकिया, पमी दुआ एंड चेतन घाटे। यहाँ से आपको इन तीनों के नेम भी लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो गवर्नर, ये गवर्नमेंट के द्वारा मेंबर्स चुने जाते हैं इनका टाइम पीरियड 4 years होता है। ठीक है, 4 years के ज़्यादा ये चुने नहीं जाते, और अगर ये एक बार अपॉइंट हो गए तो उसके बाद ये फिर से रीअपॉइंट नहीं हो सकते। जैसे कि पमी दुआ को एक बार MPC का मेंबर बना दिया गया है तो 4 year के बाद ये फिर से MPC की मेंबर नहीं बन सकती। तो यहाँ पे एक क्लॉज ये है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम ये जान लेते हैं कि जो मीटिंग होती है तो मेंबर्स को कितनी मनी मिलती है, कितनी फीस होती है। चलिए द गवर्नर अपॉइंटीज आर पेड ₹1.5 lakh पर मीटिंग। एक मीटिंग का 1.5 lakh रुपीस दिया जाता है अलॉन्ग विथ एयर ट्रेवल, अदर रिम्बर्समेंट, और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड दी जाती हैं। बट दे नीड टू ऑब्जर्व साइलेंट पीरियड। जब मीटिंग होती है तो मीटिंग से 7 days बाद और 7 days आफ्टर जो डिसीजन लिए जाते हैं उसमें साइलेंट रहना होता है, तो उस पीरियड को कहते हैं साइलेंट पीरियड। ये पीरियड कब का होगा, 7 दिन पहले और 7 दिन बाद का। नेक्स्ट द कॉन्फिडेंशियली क्लॉज ऑल्सो अप्लाई टू द 3 RBI मेंबर्स इंक्लूडिंग द गवर्नर। देखिए जो क्लॉज है ऊपर साइलेंट पीरियड वाला, ये सिर्फ जो मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा चुने गए हैं उन पर नहीं, बल्कि जो RBI के द्वारा मेंबर चुने गए हैं उन पर भी ये क्लॉज लागू होगा। ओके, यहाँ से आप समझ गए होंगे MPC के बारे में। अब इसी लेक्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। चलिए आगे हम कुछ MCQs को डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि हम अच्छे से समझ सकें कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द MPC। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके चेयरपर्सन कौन है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, डिप्टी गवर्नर, गवर्नमेंट और गवर्नर ऑफ RBI, फाइनेंस
फाइनेंस मिनिस्टर या फिर नन ऑफ दीज। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि एमपीसी का चेयरपर्सन कौन होता है। आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि एमपीसी का चेयरपर्सन कौन है प्रेजेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर अपॉइंटेड इन एमपीसी। जो एमपीसी है उसमें कितने मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं? तो उसमें टोटल 6 मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं। अब मुझे बताइए उसका वेरिफिकेशन कैसे कैसे होता है। देखिए कि आरबीआई के द्वारा कितने चुने जाते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा कितने कितने चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एमपीसी। कि जो मेंबर्स गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाते हैं उनका टाइम पीरियड कितना होता है, मतलब वो कितने साल तक एमपीसी में मेंबर की तरह वर्क करते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बताया था जो गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं, गवर्नमेंट द्वारा चुने गए मेंबर्स हैं, उनका टाइम पीरियड कितना होता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है, क्या इन मेंबर्स को रीअपॉइंट किया जा सकता है? तो इसको भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ध्यान से इस वीडियो को फिर से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी। जो नीचे 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एमपीसी के मेंबर नहीं है? देखिए रविंद्र एच धोरेकिया ये हैं, पमी दुआ भी हैं, एंड अरविंद सुब्रमण्यम हमने नहीं पढ़ा, चेतन घाटे भी मेंबर्स हैं। ये तीनों ही मेंबर्स गवर्नमेंट के द्वारा चुने गए हैं। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि अरविंद सुब्रमण्यम एमपीसी के मेंबर नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द रिपोर्ट्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी शुड बी पब्लिश। जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट्स होती हैं, एक क्वेश्चन तो मैं ये पूछती हूँ कहाँ पब्लिश की जाती हैं, किस में पब्लिश की जाती हैं, और ये पूछा गया है कब पब्लिश की जाती हैं। तो ये पब्लिश की जाती हैं आफ्टर 14 डेज, जब भी मीटिंग होगी तो मीटिंग के 14 डेज बाद, क्या पब्लिश कर 14 डेज बाद मिनट्स में सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करना होगा। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि एग्ज़ाम में किस टाइप से जो क्वेश्चंस हैं एमपीसी से फॉर्म हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं जल्दी आपको इसका नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड करूँगी। आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो, और साथ ही आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।